हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरदोष, हमें चैनल टेक ज्ञान पर सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में अगर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में बताना शुरू करूँ से पहले जरूर बात करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को बाकी और ऑप्शन से लिख दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। अगर आपको मेरा ये मेहनत और अगर एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन पाए। साथ ही में आज मैंने जो है मॉर्निंग में एक अपकमिंग स्मार्टफोन वाला जो वीडियो है वो मैंने अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और साथ ही में डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो जाके भी आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं कि आज क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। सो अब हम जो पहले ब्रेक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो के प्रोडक्ट के बारे में। सो ओप्पो ने जो है वो पैटर्न फाइल कर दिया है मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर का, जिसकी कुछ फोटोज जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि इस तरह से कुछ हो सकता है ओप्पो का मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर। अब देखते हैं कि इस चार्जर के साथ जो है ओप्पो का ऐसा पहला कौन सा स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है जो इसको सपोर्ट करने वाला है। देखते हैं कि आगे इसके बारे में और हमें क्या अपडेट मिल पाती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Xiaomi का Mi Mix और Mi Pad के लॉन्च डेट के बारे में है। सो दो पोस्टर उसके निकल के आए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 10 अगस्त को जो है ये लॉन्च होने वाले हैं, पर मे बी कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये जो पोस्टर है वो शायद फेक है, Xiaomi से कन्फर्म न्यूज़ नहीं समझ सकते। अब देखते हैं कि क्या ये पोस्टर सही में सच निकलते हैं या फिर एक फेक लॉन्च डेट हमें देखने को मिली है। वो जब कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ कन्फर्म न्यूज़ आएगी तब हमें पता चल जाएगा कि ये जो है, हालांकि अब तक तो यही था कि शायद 11 अगस्त के आसपास जो है लॉन्च होने वाले थे, पर अब देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या अपडेट आगे मिल पाती। तो अब जिस अभी के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के फ्लैश स्मार्टफोन के बारे में, जिसके अंदर मैगडाट हमें सपोर्ट करता हुआ देखने को मिलने वाला है, जो वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होने वाला है एंड्रॉइड स्मार्टफोन जो ऐसे मैगडाट मैग्नेटिक चार्जर के साथ जो है सपोर्ट करता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है। अब रियलमी ने जो है खुद वीवो के ऊपर ही कन्फर्म कर दिया कि बहुत जल्दी हमें रियलमी फ्लैश जो है वो लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है, यानी कि कह सकते हैं कि शायद इसी महीने हमें शायद चाइना में इसका लॉन्च जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसके बारे में मैंने जो है अगेन जो अपकमिंग स्मार्टफोन वाला वीडियो है उसके अंदर भी मैंने बात की है, तो मे बी हो सकता है शायद अगस्त में हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, बट ये लॉन्च होगा तो पहले शायद चाइना में लॉन्च होगा, इंडिया में नहीं। देखते कि आगे इंडिया में ये हमें कब तक देखने को मिलता है। सो अब जिस अभी के बारे में बात करने वाले वो है टेक्नो के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात करूँ टेक्नो पोवा 2, जिसके बारे में अगेन मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन वाले वीडियो में बात की थी। आज ही 2 अगस्त को जो है ये लॉन्च होने वाला था, लेकिन वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था अपकमिंग स्मार्टफोन वाला 1 अगस्त को रात को मैंने लेट से किया था, बट ये आज जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसके स्पेसिफिकेशन फोटोज़ जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। दो वेरिएंट कंपनी ने जो है इसके अंदर लॉन्च किए हैं, 4GB RAM + 64GB जिसकी प्राइस रखी गई है 10,499 रुपीज़, और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज जिसकी प्राइस रखी गई है 12,499 रुपीज़। हीलियो का G85 SoC के ऊपर जो है हमें ये रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है। हालांकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो इसकी बैटरी, जो 7000mAh की रखी गई है, काफ़ी बड़ी बैटरी दी गई है इस प्राइस रेंज के अंदर, जो एक अच्छी बात है। जिन लोगों को चार्जिंग जो है बार बार करना पसंद नहीं है और जो अपनी जॉब के लिए जो है एक एक दिन पूरा बाहर रहना पड़ता है उन लोगों को, तो उनके लिए ये एक अच्छी बात है। ऐसे बड़ी स्मार्टफोन, ऐसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन जो है उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप मुझे बताइए आपको ये स्मार्टफोन देख के कैसा लगा, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे अगर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन खरीदना है तो। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है डिजो वॉच के बारे में। सो डिजो वॉच जो है आज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, जिसके स्पेसिफिकेशन फोटोज जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। फ्लिपकार्ट के थ्रू जो है आपको ये वॉच देखने को मिलने वाली है, साथ ही में वैसे इसके MRP जो है वो 3,499 रुपीज़, बट ये स्पेशल प्राइस में स्टार्टिंग में जो आपको मिलने वाली 3,000 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 2,999 रुपीज़ में 60+ वॉट फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। EIT कंट्रोल इसमें से आप कर पाओगे, साथ ही में हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल और जो स्लीप मॉनिटर और सेंसर होता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, और IP68 का वाटर रेजिस्टेंट का आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। 3,000 में मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है, मैं कहूँगा। सो अगर आप चाहो तो इस वॉच को जो है आप ले सकते हो, ये मेरा रिकमेंडेशन है ऐसा मैं कह सकता हूँ। बट अगेन आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट लो तो मैं कहूँगा कि आप जो है मार्केट में रिसर्च करो कि उस प्राइस रेंज के अंदर आपको और कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे, खुद की भी रिसर्च कीजिए और बाद में जाके वो प्रोडक्ट परचेज कीजिए। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Xiaomi के स्मार्टफोन के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ Mi 11T सीरीज़ के बारे में है। सो अकॉर्डिंग टू डिजिटल टेस्ट स्टेशन ये जो मैं अपडेट मिल पाई उनका कहना है कि Mi 11T सीरीज़ के अंदर हमें जो है 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलने वाला है, और वो भी OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जिसका फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ये। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि Mi 11T प्रो स्मार्टफोन जो है वो ऑलरेडी सेरिम सर्टिफिकेशन रिसीव कर चुका है मलेशिया का, साथ ही में FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर भी ऑलरेडी देखा गया है विथ Mi UI 12.5, साथ में 5G सपोर्ट भी इसमें देखने को मिला है, साथ ही में ये IMEI डेटाबेस के ऊपर भी देखा गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि Mi 11T सीरीज जो है
बहुत जल्दी हमें उसका लॉन्च जो है वो देखने को मिलने वाला है। मे बी शायद इस महीने के एंड या फिर सितंबर स्टार्टिंग में हमें उसका लॉन्च देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कौन से फीचर्स और कौन से स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ जो है Xiaomi अपना ये नया Mi 11T सीरीज स्मार्टफोन जो है वो लेके आती है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है Xiaomi के एक प्रोडक्ट के बारे में। मैं बात करूँ Xiaomi का एक फैन जो हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं टेबल फैन जो है वो स्मार्ट टेबल फैन जो है वो लॉन्च करने वाली है। अब इसके रिगार्डिंग जो है एक रिव्यू चल रहा है जिससे ये हमें अपडेट मिल पाई है और कहा जा रहा है कि ये अगर फैन लॉन्च हुआ तो हो सकता है कि इसकी प्राइस जो है वो 3000 रुपीस तक हो सकती है। काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और अगर आपको इस सर्वे में अगर पार्ट लेना है तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन कर दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ पे जाके इसे फिलअप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो Xiaomi के इस फैन के अंदर। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो के स्मार्टफोन के बारे में और ओप्पो के ऑफिशियल्स की तरफ से जो वीवो के ऊपर ही अपडेट निकल के आई है, हालांकि वो पोस्ट भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ओप्पो भी जो है अब अपना अंडर स्क्रीन कैमरा वाला स्मार्टफोन जो है बहुत जल्दी लेके आने वाला है और उसके दो फोटो जो है वीवो के ऊपर जो अलग से निकल के आया जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब ये फोटोज़ कहाँ तक सच है वो मुझे पता नहीं है, बट इसके अंदर भी जो है ओप्पो का आपको पीछे लोगो देखने को मिल रहा है और आगे जो है आपको कोई भी कैमरा कटआउट देखने को नहीं मिल रहा है। तो मे भी हो सकता है कि शायद यही डिज़ाइन जो है वो सच हो और इसी डिज़ाइन के साथ हमें ओप्पो का अंडर स्क्रीन कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। अब ये कौन से सीरीज में ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है वो पता नहीं है या फिर अलग से कोई एक न्यू सीरीज जो है ओप्पो स्टार्ट करने वाली है, बट देखते हैं कि ये जो अंडर स्क्रीन कैमरा वाला स्मार्टफोन है ओप्पो की तरफ से हमें कब देखने को मिलता है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में और थोड़ी हंसी मुझे इसलिए आ रही कि ये जो रियलमी का स्मार्टफोन है वो है RMX 3236 मॉडल नंबर है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और ये जो है कहा जा रहा है कि सी सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है। यानी कि मैंने ऑलरेडी अपकमिंग स्मार्टफोन के अंदर अगर आपने पहले से देख लिया है तो आपको शायद पता होगा कि मैंने उसमें बताया है कि शायद कोई बजट स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। अब वो कौन सा होगा वो पता नहीं है और ना ही मुझे ये पता था कि सी सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है, बट जैसे मैंने सुना था उसी जैसे मैं आपको बता रहा था। सो अब ये स्मार्टफोन हमें कब अगस्त में ही देखने को मिलता है या फिर सितंबर में पता नहीं है, बट देखते कि ये कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है सी सीरीज का और क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले, देखते आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट अगेन मिल पाती है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है मोटरोला के स्मार्टफोन के बारे में। तो मोटरोला जो H20 प्रो स्मार्टफोन जो है अब उसका एक पोस्टर सामने निकल के आया जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। चाइना के अंदर यही स्मार्टफोन जो है एज एस प्रो के नाम से जो है वो लॉन्च होने वाला है। अब वहाँ पर चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद हो सकता है कि शायद हमारे एशियन मार्केट्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है और मे बी हो सकता है इंडिया के अंदर भी शायद ये एस प्रो के नाम से हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि चाइना में कब लॉन्च होता है और इंडिया में हमें कब तक ये देखने को मिलता है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी बुक के बारे में। सो रियलमी बुक के अंदर हमें दो कलर वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, एक ब्लू और एक सिल्वर। और ये जो आस्क माधव वाला जो एपिसोड आने वाला है उसका एक जो पोस्टर है उसके अंदर माधव सेठ और उनका जो और एक क्रू मेंबर है उनके हाथों में जो है ये दोनों ही कलर के लैपटॉप आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, उसके फोटोज जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही दो कलर के अंदर हमें रियलमी बुक जो है देखने को मिलने वाला और इस तरह से इसे टीज किया जा रहा है, मान के चलिए बहुत जल्दी शायद हमें इस महीने भी हमें ये देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि आगे इसके लॉन्च के बारे में हमें क्या डिटेल मिल पाती है, जो भी डिटेल मिल पाएगी अब तक सबसे पहले पहुंच दी जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद टेक ज्ञान। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के मैगडार्ट के बारे में है और फ्लैश रियलमी फ्लैश के बारे में है। सो एक्सट्री डेवलपर के थ्रू जो है कुछ फोटोज मिल पाए जिसके अंदर हमें रियलमी मैगडार्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और एक जो स्मार्टफोन दिख रहा है वो भी रियलमी फ्लैश हो सकता है, क्योंकि इससे पहले GSM अरेना के थ्रू जो है हमें फोटोज मिल पाते हैं वो भी इसी स्मार्टफोन के साथ थे जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वीडियोज़ के अंदर, शायद आपको याद होगा जब हमने पहली बार रियलमी मैगडार्ट के बारे में बात की थी तब। और इसी डिज़ाइन के साथ जो है अगेन इस फोटोज़ के अंदर वही स्मार्टफोन हमें देखने को मिल रहा है, मान के चलिए शायद यही जो है रियलमी फ्लैश स्मार्टफोन होने वाला है। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले वो है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के बारे में और ये भी आज लॉन्च होने वाला था जो लॉन्च हो चुका है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A स्मार्टफोन जिसकी फोटोज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। स्मार्टफोन के कहीं ना कहीं उसका जो थोड़ा पीछे का डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं हमें माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन की याद दिला देता है। और ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर हमें 6.52 इंच का जो है एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी, साथ ही में जियो की कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। और मैंने आपको बोला था कि ये एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है जिसकी प्राइस रखी गई है 6499 की, ऑलमोस्ट 6500 रुपीज़ जो इसकी प्राइस रखी गई है। अब ये बजट स्मार्टफोन है तो आप देख लीजिए अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो अगेन ये 6500 के आसपास जो है मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे ऑप्शन आपको काफ़ी सारे ब्रांड के अंदर मिल जाते हैं। तो अगेन जब भी आप कोई भी स्मार्टफोन ले चाहे वो कितने भी रेंज का हो आप मार्केट के अंदर जो है रिसर्च कीजिए इसकी पूरी और फिर बाद में जाके परचेस कीजिए। सो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवो के स्मार्टफोन के बारे में और ये अपडेट में मिल पाई वाले एक्सको डिजिटल और ये एक उसके डिजाइन और पैटर्न के बारे में है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर जो है वीवो की तरफ से हमें एक नया मल्टीपल जूम वाला कैमरा जो है वो सेटअप देखने को मिलने वाला है, जो पॉपअप कैमरा होने वाला है जिसके अंदर हमें एक रिंग के अंदर जो है एक छोटे सी राउंड शेप के अंदर हमें फ्लैश लाइट उसकी देखने को मिलने वाली है और उसी के अंदर हमें मल्टीपल लेवल्स के अंदर जो है उसका जूम देखने को मिलने वाला है। साथ ही में
आगे की तरफ जो है हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप फोटोज देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर हमें कोई भी कटआउट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कि वीवो की तरफ से हमें जो ये स्मार्टफोन है वो हमें कब देखने को मिलता है, और अब जो है ज़माना अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला ही आने वाला है, तो अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनी जो हमें कब तक हमें ये स्मार्टफोन जो है वो अलग अलग टाइप के हमें देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। हालांकि सैमसंग की तरफ से फिलहाल अभी थोड़े ही दिनों के बाद जो है हमें जेड फोल्ड 3 के अंदर ही अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा निकल के आता है। सो अब जो हम आखिरी ब्रेक पर हम बात करने वाले हैं वो है OnePlus Nord 2 के बारे में है, और मार्केट में ऑलरेडी ये न्यूज़ चल रही है, मे बी हो सकता है शायद आपने सुनी भी हो, बट एक बंदा है उन्होंने जो है ट्वीट करके ये बताया है कि उनका जो नॉट 2 स्मार्टफोन है वो ब्लास्ट हो गया है, जिसकी फोटोज़ और ट्वीट जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उनकी वाइफ जो है वो साइकिलिंग करते वक्त जो है वो स्मार्टफोन लेके गई थी, और अचानक से जो है उसमें थोड़ा सा धुआं जैसा निकला और जो है स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया, और 5 दिन ही हुए थे उन्होंने ये जब स्मार्टफोन जो है वो परचेस किया था। अब उन्होंने जैसे ही ट्वीट किया, ट्वीट तो बाद में उन्होंने जो थोड़े वक्त के बाद डिलीट कर दिया था, अब OnePlus में भी सामने जो है रिप्लाई दिया है कि हम इस मैटर को जो है लुकआउट करने वाले हैं, आप हमें पर्सनली जो है वो मैसेज एक बार कर दीजिए। अब देखते हैं कि किस रीज़न की वजह से ये होता है, अगर हमें पता चल जाएगा तो हम आपको श्योर बता देंगे कि किस रीज़न से जो है OnePlus अब इसका रीज़न क्या देती है, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि OnePlus का स्मार्टफोन जो है ऐसे इस तरह से ब्लास्ट हुआ है, वो भी नॉट 2 सीरीज़ का। इवन नॉट सीरीज़ के अंदर भी जो है पहले ऐसा कोई स्मार्टफोन ब्लास्ट नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि इसका रीज़न जो है OnePlus की तरफ से हमें क्या देखने को मिलता है और क्या इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देती है OnePlus। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मुझसे अगर पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे जाइए, टैग एंड सर्च करके वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं जितना जानता हूँ उतना आपको प्रोवाइड करने की इन्फॉर्मेशन जरूर कोशिश करूँगा, साथ ही मेरे लिए कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताया। अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा कर ऑप्शन से लेके ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहनो, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।